सो हेलो गाइस, मैं हूं सोमोजीत एंड वेलकम बैक टू माय अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो। सो गाइस, आज मैं आपके साथ एक फुल डिटेल्ड वॉकराउंड रिव्यू शेयर करने वाला हूं ऑफ टोयोटा इनोवा क्रिस्टा का GX वेरिएंट। आपको टोयोटा इनोवा में टोटल 4 वेरिएंट्स मिल जाता है, GX, VX, ZX। और गाइस, अगर आप इनोवा क्रिस्टा का बेस वेरिएंट्स देखते हो, ठीक है, इसमें भी आपको काफ़ी बढ़िया बढ़िया फीचर्स कंपनी ऑफर करता है, ठीक है, लाइक अलॉय व्हील, टच स्क्रीन, सेंट्रल लॉकिंग, LED साइड टर्न इंडिकेटर्स ऑन द ORVM, ठीक है। ऐसे भी आपको और बहुत सारे बढ़िया बढ़िया फीचर्स आपको इनोवा के बेस वेरिएंट में मिलता है। सो ये जो वेरिएंट है, ठीक है, ये पर्टिकुलर जो वेरिएंट है GX, ये काफ़ी वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है, ठीक है। अगर आपका बजट कम है और आपको इनोवा ही चाहिए तो आप इस वेरिएंट के ऊपर ज़रूर जा सकते हो। सो अभी हम पहले इसके की से स्टार्ट कर लेते हैं। इसमें आपको कुछ 3 कीज देखने के लिए मिल जाता है। एक तो आपको एकदम पूरा प्रीमियम फ्लिप की मिल जाता है, ठीक है, और जो 2 कीज़ मिलता है वो आपको कुछ ऐसे नॉर्मल, ठीक है, ऐसे एकदम नॉर्मल सा की आपको मिल जाता है। सो आपको इनोवा क्रिस्टा में टोटल 3 कीज़ मिल जाता है, ठीक है, सिर्फ GX वेरिएंट में ही आपको 3 कीज़ मिल जाता है, और जो 2 वेरिएंट है VX एंड ZX उसमें आपको 2 कीज़ मिलता है। सो ये है गाइस कुछ इनोवा के फ्रंट से लुक। इसमें आपको डुअल चैम्बर, ठीक है, क्लियर लेंस रिफ्लेक्टर बेस्ड हैलोजन हेडलैम्प्स आपको इनोवा क्रिस्टा में देखने के लिए मिल जाता है। और गाइस, ये जो हेडलैम्प्स है इनमें आपको क्रोम का यूजेस भी मिलता है। ये है इनोवा क्रिस्टा का फ्रंट का ग्रिल। इसमें आपको मैट ब्लैक, सैटिन सिल्वर फिनिश एंड ग्लॉस ब्लैक फिनिश का यूजेस, ठीक है, यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाता है। और आपको बीच में यहाँ पर क्रोम फिनिशिंग के साथ टोयोटा का लोगो दिया गया है फ्रंट बम्पर का, ठीक है, आप एकदम पूरा लुक देख सकते हो, ठीक है। आपको एकदम पूरा फ्रंट बम्पर में भी फुल बॉडी कलर इसमें आपको मिल जाता है, और आपको उसके साथ साथ इसमें आपको मैट ब्लैक फिनिश और सैटिन सिल्वर, ठीक है, उसका भी यूज़ यहाँ पर किया गया है। फ्रंट में आपको यहाँ पर फ्रंट फॉग लैंप्स नहीं मिल जाता है, पर साइड टर्न इंडिकेटर जो है, ठीक है, वो आपको बम्पर में प्लेस्ड किया हुआ मिलता है, ठीक है। इसमें आप कंपनी से फॉग लैंप भी इंस्टॉल करा सकते हो, और आपको बोनट में क्रीज लाइंस देखने के लिए मिल जाता है। और आपको इनोवा क्रिस्टा में डुअल वाइपर विथ डुअल वॉशर का, ठीक है, यहाँ पर आपको एकदम पूरा सेटअप देखने के लिए मिल जाता है। और ये है कुछ फ्रंट प्रोफाइल से लुक इनोवा क्रिस्टा GX वेरिएंट का, ठीक है। सो अभी हम लोग इसका साइड प्रोफाइल देख लेते हैं। साइड से गाइस, इसका जो लुक्स है वो आपको काफ़ी सिंपल सोबर इसमें आपको लुक्स देखने के लिए मिल जाता है, ठीक है, क्योंकि ये एक मल्टी यूटिलिटी व्हीकल है, ठीक है। इसमें आपको अलॉय व्हील्स भी कंपनी ने ऑफर किया है एकदम पूरा सैटन सिल्वर फिनिश के साथ। इसमें आपको 205/65 R16 इंच में इसमें आपको ट्यूबलेस टायर्स देखने के लिए मिल जाता है। साइड में यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल साइड ORVM विथ साइड LED टर्न इंडिकेटर। साइड डोर ओपनिंग हैंडल आपको फुल बॉडी कलर में मिल जाता है। और ए पिलर, बी पिलर, सी पिलर एंड डी पिलर आप देख सकते हो, ठीक है। बी पिलर एंड सी पिलर आपको मैट ब्लैक में मिल जाता है, और ए पिलर एंड डी पिलर आपको फुल बॉडी कलर में दिया गया है। इसमें आपको फ्रंट में डिस्क ब्रेक्स एंड आपको रियर में कंपनी ने ड्रम ब्रेक्स ऑफर किया है। और आपको इनोवा क्रिस्टा में 178 mm का इसमें आपको क्लियर ग्राउंड क्लियरेंस भी देखने के लिए मिल जाता है। ऊपर में आपको यहाँ पर शार्क फिन एंटीना कंपनी ने ऑफर किया है। और आपको इनोवा क्रिस्टा में फुल बॉडी कलर में इसका एकदम आपको पूरा रूफ देखने के लिए मिल जाता है। सो गाइस, ये है रियर प्रोफाइल से लुक इनोवा क्रिस्टा GX वेरिएंट का, ठीक है। रियर से भी काफ़ी बढ़िया लुक्स आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। सो ये है कुछ इसका रियर प्रोफाइल से लुक, ठीक है। रियर में गाइस आप बीच में देख सकते हो, ठीक है, वहाँ पर आपको एक ग्लॉस ब्लैक का ट्रीटमेंट यूज़ किया गया है। ये है द रियर टेल लैम्प ऑफ इनोवा क्रिस्टा, ठीक है। आपको एकदम पूरा फुल हैलोजन सेटअप में इसका रियर टेल लैम्प देखने के लिए मिल जाता है। इनोवा क्रिस्टा का बैजिंग, यहाँ पर आपको टोयोटा का लोगो देखने के लिए मिल जाता है। आपको यहाँ पर कोई भी रियर डिफॉगर नहीं मिलता, इसमें आपको सिर्फ वाइपर कंपनी ने ऑफर किया है। रियर फुल बॉडी कलर रियर बम्पर विथ 4-point रिवर्स पार्किंग सेंसर एंड विथ रेड रिफ्लेक्टर। आपको इनोवा में रियर स्पॉयलर मिल जाता है, ठीक है, विथ हाई माउंटेड स्टॉप लाइट। और गाइज, आप बीच का ग्लॉस ब्लैक फिनिश देख सकते हो, ठीक है, उसके ऊपर आपको टोयोटा का लोगो मिल जाता है। सो गाइज, अभी हम लोग इनोवा क्रिस्टा को अनलॉक करते हैं,
ठीक है। फिर हम इसका इंटीरियर आपको एकदम पूरा डिटेल्स से दिखाएंगे, इसमें आपको फीचर्स वगैरह क्या क्या कंपनी ऑफर करता है, ठीक है। सो गाइस ये है इनोवा क्रिस्टा GX, ठीक है, उसका डोर ट्रिम। इसमें आपको एकदम पूरा ब्लैक फिनिश में आपको इसका डोर ट्रिम मिल जाता है, ठीक है। यहाँ पर आपको सारे कंट्रोल्स मिल जाते हैं, ठीक है। इसमें आपको ऑल 4 पावर विंडो के कंट्रोल्स, ORVM के कंट्रोल्स आपको यहाँ पर मिल जाता है। पावर विंडो को आप यहाँ से लॉक कर पाओगे एंड सेंट्रल लॉक भी इसमें आपको दिया गया है। क्रोम फिनिश में आपको डोर ओपनिंग हैंडल देखने के लिए मिल जाता है। आर्म रेस्ट आपको मिल जाता है और यह है इसका ग्रैब रेल, ठीक है, मतलब ग्रैब हैंडल। और आपको नीचे यहाँ पर बॉटल होल्डर और कुछ सामान वगैरह रखने का स्पेस एंड स्पीकर का प्लेसमेंट आपको डोर में ही मिलता है। यह है इनोवा क्रिस्टा बेस वेरिएंट का डैशबोर्ड। सो अभी हम लोग पहले कार को ऑन कर लेते हैं। इसमें आपको पुश स्टार्ट स्टॉप का ऑप्शन नहीं मिलता है। इसमें मैन्युअली की को इंसर्ट करके फिर आपको कार को ऑन एंड स्टार्ट करना पड़ता है। और गाइस यह है कुछ इनोवा क्रिस्टा GX का एकदम पूरा डैशबोर्ड का लुक। इसमें आपको ब्लैक फिनिश एंड एक डार्क सिल्वर सा इसमें आपको कलर देखने के लिए मिल जाता है, ठीक है। अंदर से गाइस सीट्स का जो कंफर्ट वगैरह है, ठीक है, वो भी आपको काफ़ी बढ़िया इसमें कंफर्ट वगैरह देखने के लिए मिल जाता है, ठीक है। सो अभी मैं पहले इसके स्टीयरिंग व्हील से स्टार्ट कर लेता है। इसमें आपको हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग देखने के लिए मिल जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग आपको इसमें नहीं मिलता है। लेफ्ट साइड में आपको जो कंट्रोल्स मिलता है वो म्यूजिक सिस्टम से रिलेटेड सारे कंट्रोल्स आपको मिल जाता है। और आपको राइट साइड में जो कंट्रोल दिया गया है, ठीक है, वो आपको इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर का आपको एकदम पूरा कंट्रोल वहाँ पर मिल जाता है। और आपको यहाँ पर राइट साइड में सारे लाइट्स के कंट्रोल्स और आपको लेफ्ट साइड में फ्रंट एंड रियर वाइपर के कंट्रोल्स। और गाइस ये है इनोवा का इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर का लुक। इसमें आपको RPM मीटर, स्पीडोमीटर और आपको बीच में एक स्मॉल MID मिल जाता है। और गाइस ये है इनोवा क्रिस्टा का हैजर्ड लाइट के कंट्रोल्स, ठीक है, आपको ऊपर में दिया गया है। और आपको साइड में एक क्लॉक मिल जाता है। और गाइस ये है इनोवा क्रिस्टा का टच स्क्रीन म्यूजिक इंफोटेनमेंट सिस्टम, ठीक है। यहाँ पर आपको सारे कनेक्टिविटी मिल जाता है, ठीक है, लाइक ब्लूटूथ, ऑक्स, USB, ठीक है, ये आपको सब कुछ इसमें मिल जाता है। और गाइस आपको यहाँ पर एक फिनिश मिल जाता है, ठीक है, एक मैट सा फिनिश आपको दिया गया है। और आपको इनोवा क्रिस्टा GX में यहाँ पर आपको मैनुअली कंट्रोल AC मिल जाता है। और इसमें आपको अट्रैक्शन कंट्रोल मिल जाता है एंड पावर मोड एंड इको मोड। इसमें आपको दो मोड्स भी कंपनी ने ऑफर किया है, ठीक है। अगर आपको पावर चाहिए तो आप उसमें यूज़ कर सकते हो, और अगर आपको माइलेज चाहिए तो आप ज़रूर इको मोड में यूज़ कर सकते हो। इसमें आपको 5-speed मैनुअल ट्रांसमिशन देखने के लिए मिल जाता है और आपको एक मैनुअल हैंड ब्रेक यहाँ पर दिया गया है। आपको इनोवा क्रिस्टा में टू ग्लव बॉक्स मिल जाता है, ठीक है, अपर एंड लोअर ग्लव बॉक्स। इन दोनों ही ग्लव बॉक्स में आपको काफ़ी डिसेंट सा स्पेस देखने के लिए मिल जाता है। कोड्राइवर साइड सनसेट सनग्लास होल्डर और इसमें आपको हैलोजन में दो रीडिंग लाइट दिया गया है। और गाइस ये है ड्राइवर साइड सनसेट विद अ टिकट होल्डर। और आप यहाँ पर कोई भी बॉटल या फिर कोई भी ग्लास को आप यहाँ पर इजीली कैरी कर पाओगे। और आपको नीचे यहाँ पर फ्रंट पार्किंग सेंसर का आपको यहाँ पर सब कुछ कंट्रोल्स वगैरह देखने के लिए मिल जाता है। और आपको यहाँ पर AC वेंट्स दिया गया है, ठीक है, इसको आप ऐसे करके एडजस्ट भी कर पाओगे। और यह है कुछ इसका एकदम पूरा डैशबोर्ड का लुक। काफ़ी प्रीमियम आपको यहाँ पर डैशबोर्ड वगैरह सब कुछ देखने के लिए मिल जाता है। और इसमें आपको फैब्रिक में सीट्स दिया गया है, ठीक है, और आपको इसमें आर्मरेस्ट भी कंपनी ने ऑफर किया है। सो फीचर्स वगैरह आपको सेकेंड बेस वेरिएंट में भी काफ़ी अच्छे खासे इसमें आपको फीचर्स मिल जाता है, ठीक है। सो अभी हम लोग इसका सेकेंड रो देख लेते हैं। सो गाइस ये है इसका सेकेंड रो डोर ट्रिम, सेम लाइक द फ्रंट, ऑल ब्लैक डोर ट्रिम विथ क्रोम डोर ओपनिंग हैंडल, ठीक है। इसमें भी आपको पावर विंडो के कंट्रोल, ग्रैब हैंडल, आर्मरेस्ट और स्पीकर का प्लेसमेंट और कुछ सामान वगैरह रख सकते हो, ठीक है, डोर ट्रिम में। इसमें भी आपको यहाँ पर फैब्रिक में रियर सीट्स मिल जाता है। और गाइस और सेकेंड रो का जो सीट्स है, ठीक है, वो आप ऐसे करके फोल्ड भी कर पाओगे। और ये है इनोवा क्रिस्टा GX का फ्रंट डैशबोर्ड का लुक फ्रॉम द रियर। आपको यहाँ पर रियर पैसेंजर के लिए अलग AC वेंट्स भी यहाँ पर कंपनी ने ऑफर किया है। और गाइस ये है इसका थर्ड रो, ठीक है, ये 8-seater वाला वेरियंट है, ठीक है, इनोवा क्रिस्टा GX, ठीक है, उसका 8-seater वाला वेरियंट्स है। सो गाइस अभी मैं आपको इसका एक बार बूट दिखा देता हूँ, इसमें आपको स्पेस वगैरह कैसा मिल जाता है। सो ये है इनोवा क्रिस्टा GX का रियर बूट। इसमें आपको थोड़ा बहुत ही स्पेस मिल जाता है
और थर्ड रो का जो सीट्स है ठीक है, आप इनको 50-50 स्प्लिट फंक्शन के साथ आप इनको इजीली यूज़ कर पाओगे। सो गाइस अभी मैं आपको इनोवा क्रिस्टा GX का फ्यूल लीड मैं अभी आपको एक बार ओपन करके दिखा देता हूँ, और इसका जो फ्रंट का इंजन है ठीक है वो मैं आपको इसके बाद दिखाऊंगा। सो गाइस ये है इसका फ्यूल लीड ठीक है, और डीजल आप देख ही सकते हो ठीक है। और गाइस ये है इनोवा क्रिस्टा का इंजन, इसमें आपको 2.4 लीटर 4 सिलेंडर डीजल इंजन इसमें आपको देखने के लिए मिल जाता है ठीक है। इसमें आपको 147 bhp का पावर एंड 343 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क आपको यहां पर देखने के लिए मिल जाता है। और गाइस आप यहां से एडब्लू को फिल कर पाओगे, और आप इस इंजन से 10 टू 12 kmpl का माइलेज आप इससे इजीली निकाल पाओगे ठीक है। सो गाइस ये था एकदम पूरा डिटेल्ड रिव्यू टोयोटा इनोवा क्रिस्टा 2.4 GX ठीक है, सेकेंड बेस वेरियंट का। So if you like this video, please subscribe my YouTube channel, like, share and comment. Thank you.